हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, मैं आज काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो ना बनाने की वजह मेरे घर की एक खुद की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से मैं आपको रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ DLF लिमिटेड शेयर के बारे में। देखिए, इस शेयर को ब्रोकरेज हाउस ने एक बहुत बड़ा टारगेट दिया है और उस टारगेट के कारण हो सकता है इस शेयर के अंदर आप अच्छी खासी खरीदारी भी देख सकते हैं और शेयर की प्राइस हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिखाए और हो सकता है जल्द ही वो टारगेट भी अचीव कर ले। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ उस ब्रोकरेज हाउस की न्यूज़ और रिपोर्ट जिसने इसको टारगेट दिया है और कितना टारगेट दिया है। तो देखिए, न्यूज़ ये है, जेफरीज ने इसको दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ टारगेट दिया कितना, 875 रुपये का। तो जेफरीज ने इसको टारगेट दिया है, उसका कारण क्या है वो आप पूरी न्यूज़ पढ़ें और देखें। जेफरीज हैज़ ए प्राइस टारगेट 875 पर शेयर इम्प्लाइंग ए प्रोटेंशियल अपसाइड ऑफ 17% DLF सेस गेन एड 3.8% इन अर्ली ट्रेड ऑन January 25 आफ्टर द रियल इस्टेट मेजर रिकॉर्डेड ए 26.6% ऑन ईयर ग्रोथ इन कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडेड December 2023। तो देखिए, उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है 26.6% का, जो ग्रोथ दिखाने वाले हैं ये। December 2023 का डेटा जो निकल कर आया है DLF का, उसके हिसाब से जेफरीज ने इसको टारगेट अच्छा खासा दिया है। अब चलते हैं अपने शेयर पर लौट कर बाकी आगे की बात करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ब्रोकरेज हाउस ने इसमें टारगेट दिया है, अच्छा टारगेट दिया है, लेकिन हमें सिर्फ ब्रोकरेज हाउस की बात मानकर खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, एक बड़े ब्रोकर हाउस हैं, बहुत सोच समझकर अपने फैसले देते हैं, जो जनता के बीच में इन्हों की बात जाती है, इन्हों की बात में दम होता है, लेकिन इन्हों की बात के साथ साथ अपना दिमाग भी लगाना बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट के अंदर। अगर जो आपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया तो आप अपनी पूंजी को यूं ही ख़त्म कर देंगे मार्केट में, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब हमें क्या देखना है शेयर के अंदर, तो देखिए सबसे पहले देखें इसका पी, देखें पी कितना जबरदस्त है इसका, 79.1% का पी है और इस पी को देखते हुए शेयर बहुत ज़्यादा आपको महंगा मिल रहा है। हालांकि इन्होंने अच्छा टारगेट दिया है, टारगेट हो सकता है अचीव भी हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर, लेकिन आप ये भी देखें कि इसका पी क्या चल रहा है, मार्केट का मूड और माहौल क्या चल रहा है। तो देखिए, मैं आपको साफ शब्दों में, क्लियर शब्दों में ये बता दूं कि मार्केट आप देख रहे हैं कभी भी 300 पॉइंट गिर जाता है, 250 पॉइंट गिर जाता है, 350 पॉइंट गिर जाता है, ये मार्केट में ये यूं ही नहीं हो रहा है। इस समय मार्केट को एक ऐसा कारण नहीं मिल रहा है कि जिससे इसके अंदर बड़ा करेक्शन आ सके और इसी वजह से ये 300, 350 या 200-250 पॉइंट की गिरावट आती है एक साथ। हल्की फुल्की कोई न्यूज़ मिलती है या कोई, जैसे अभी आपने देखा होगा HDFC के जो रिजल्ट थे वो बहुत ख़राब आए थे, उसके कारण मार्केट गिरा और HDFC तो अभी तक संभला ही नहीं है। तो देखिए, इसके अंदर ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है कि अगर मार्केट को कोई बड़ा रीज़न मिलगा गिरने का तो मार्केट इतना ज़्यादा गिरेगा कि रिटेलर भाई इसको समझ नहीं सकते और अपनी पूंजी को या तो बहुत काफ़ी टाइम के लिए फंसा सकते हैं इसके अंदर, या हो सकती है डूब भी जाए। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो इसके अंदर रिस्क पूरी मार्केट के अंदर, इस शेयर के अंदर नहीं, खाली मैं शेयर की बात नहीं कर रहा, पूरी मार्केट के अंदर इस टाइम बहुत बड़ा रिस्क है। हालांकि ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही कि मार्केट गिरे,
लेकिन अगर ऐसा कोई कारण मिल जाता है मार्केट को गिरने का, तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा और रिटेलर भाई को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो मार्केट में इस टाइम काम करें तो बहुत समझ कर, बहुत संयम के साथ काम करें, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कितना ही बड़ा फॉल आ सकता है, गिरावट आ सकती है। और शेयर तो ऑलरेडी बहुत हाई आपको देखने को मिल ही रहा है, वावनी का उसका हाई और लो भी देखें तो वावनी का अपने हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है इस टाइम शेयर। तो देखिए जो उसका लो है वो 336 रुपये का है और हाई 816 रुपये का है, और 750-800 पे आपको इस टाइम ये इसका शेयर देखने को मिल रहा है। तो वावनी हाई के, वावनी हाई के आसपास काम कर रहा है, 875 के टारगेट दिए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दो तीन दिन इसके अंदर 4-5% की अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो आराम से अपना टारगेट अचीव कर लेगा। लेकिन मैं ट्रेलर भाइयों से हाथ जोड़ कहता हूँ, बहुत संभल कर काम करें। अगर जो आपको ऐसा लगता है कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है तो तुरंत अपनी होल्डिंग को काटें, अपना पैसा अपने पास करें, वरना आपका पैसा बहुत अच्छे लंबे समय के लिए टंग सकता है, फंस सकता है। और आप और हम छोटे मोटे रिटेलर हैं, थोड़ा बहुत पैसा लेकर काम करते हैं, वही पैसा फंस गया तो हम सिर्फ मार्केट को देखते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।